हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सेशन। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 18। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एसिया। एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट SUS, दैट इज सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। उसमें हमने SUS का सिंबल्स देखा, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेशन विथ एप्लीकेशन स्टडी किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ SCR। द कोर्स आउटकम इज स्टूडेंट विल एबल टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ थायरिस्टर, and the learning outcome are student will able to describe the procedure to troubleshoot the given type of thyristor, and student will able to explain different protection circuits. So SCR protection kyu karte hain? देखते हैं। फॉर रिलायबल एंड इफिशियंट ऑपरेशन ऑफ SCR, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट विद इन द स्पेसिफिक रेटिंग। SCR को विश्वसनीय और कुशल तरीके से ऑपरेट करने के लिए हम SCR को एक स्पेसिफिक रेटिंग में डिजाइन करते हैं। मतलब स्पेसिफिक रेटिंग मतलब उसको एक रेटिंग डिसाइड कर लेंगे, मतलब PIV रेटिंग बोलते हैं उसको। उसके पावर की मैक्सिमम रेटिंग, वोल्टेज की मैक्सिमम रेटिंग एंड करंट के मैक्सिमम रेटिंग, एक मैक्सिमम रेटिंग उसको डिसाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम PIV रेटिंग। सो दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेन एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। उस PIV रेटिंग से अगर कुछ वैल्यू अगर है, क्वांटिटी, वोल्टेज, करंट या पावर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल कंडीशन, अनियमित कंडीशन। देयरफॉर वेरियस प्रोटेक्शन स्कीम अवेलेबल फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ SCR। तो इस एबनॉर्मल कंडीशन से हमारे SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन स्कीम अवेलेबल है, जैसे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, थर्ड वन इज द DI/DT प्रोटेक्शन एंड फोर्थ वन इज द DV/DT प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट वन मेथड इज ओवर करंट प्रोटेक्शन, सॉरी फर्स्ट वन स्कीम इज ओवर करंट प्रोटेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइव इन अवर माइंड दैट व्हाट इज मीन बाय ओवरकरंट। ओवरकरंट मतलब क्या होता है? तो IS इज ग्रेटर देन I रेटेड, मतलब जब सप्लाई का करंट अगर उसके रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा है, SCR के रेटेड वैल्यू से अगर उसमें से आने वाला सप्लाई करंट अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम ओवर करंट। इन एन SCR ड्यू टू ओवर करंट द जंक्शन टेम्परेचर एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू एंड द डिवाइस गेट डैमेज। अगर उसके रेटेड वैल्यू से अगर सप्लाई वोल्टेज अगर ज्यादा आता है तो क्या होगा, उसमें ओवर करंट आ गया तो उसमें जंक्शन में हीट डेवलप होगी, उसके जंक्शन का टेम्परेचर एक्सीड होगा, बढ़ने लगेगा, इसके वजह से अपना डिवाइस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो डिवाइस को मतलब SCR को अगर इससे प्रोटेक्ट करना है ओवर करंट से तो हम SCR के सीरीज में एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज क्या करेगा, यहाँ से जो करंट आएगा सप्लाई करंट तो उसको सेंस करेगा। अगर सप्लाई करंट अगर SCR के रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा है तो ये फ्यूज ट्रिप हो जाएगा, मतलब ब्लो हो जाएगा, तो यहाँ से ये आगे नहीं आने देगा करंट को SCR के तरफ,
तो SCR ओवरकरंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा. देयरफॉर रिमेंबर दैट फॉर ओवरकरंट प्रोटेक्शन वी यूज द फ्यूज इन सीरीज विद द SCR. नेक्स्ट वन स्कीम इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवर वोल्टेज. ओवर वोल्टेज मीन्स VS greater than V rated. मतलब सप्लाई वोल्टेज जब ग्रेटर रहेगा SCR के रेटेड वोल्टेज से, तो ओवर वोल्टेज में रिजल्ट इन फॉल्स टर्न ऑन ऑफ द डिवाइस एंड द डैमेज ऑफ द डिवाइस. अगर SCR में से जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो अगर उसके रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा है तो SCR में फॉल्स टर्न ऑन होगा. मतलब SCR ऑन होना नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो एबनॉर्मल कंडीशन है, तो फिर भी SCR अपना ज्यादा वोल्टेज समझ के वो ऑन हो जाता है. और ये जबकि ये फॉल्स टर्न ऑन हो गया, इसमें अगर ऑन होता है तो अपना डिवाइस क्या होगा, डैमेज हो जाएगा. द इफेक्ट ऑफ ओवर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग नॉन लीनियर रेजिस्टर कॉल्ड एज वेरिएस्टर. इस ओवर वोल्टेज से हमारे डिवाइस को बचाने के लिए हम एक नॉन लीनियर रेजिस्टर यूज करते हैं, उसको बोलते वेरिएस्टर. अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट में वेरिएस्टर, ये जो रेजिस्टेंस है इसको वेरिएस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वैरी होता है. और इसका रेजिस्टेंस कैसे वैरी होता है, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, अगर वोल्टेज कम है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है. तो नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज ज्यादा नहीं रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो हमारा सिंपली वोल्टेज किसको मिलेगा, SCR को. पर अगर वोल्टेज अगर ज्यादा आता है तो ये क्या करेगा, वेरिएस्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो जो भी वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, इसके थ्रू वेरिएस्टर के थ्रू करंट पास होगा. मतलब ये क्या करेगा, वेरिएस्टर कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी कर लेगा प्लस अपने SCR को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगा. सो रिमेंबर दैट फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वी यूज द वेरिएस्टर. और वेरिएस्टर की प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड रहता है, अगर वोल्टेज ज्यादा रहता है तो इसका रेजिस्टेंस कम रहता है. थर्ड वन इज डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन. डीआई बाय डीटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ डिवाइस. मतलब डीआई बाय डीटी मतलब क्या, करंट का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. द डिवाइस प्रोटेक्शन इज डन बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिंग एन इंडक्टर इन सीरीज विद द थायरिस्टर. अगर डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन देना है हमको SCR को, तो हम क्या करते हैं, SCR के सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं SCR के सीरीज में क्या कनेक्ट किया है, इंडक्टर. क्यों, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है. तो हमको वही चाहिए डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन के लिए. डीआई बाय डीटी में क्या हो रहा है, सडन चेंज इन करंट आ रहा है, वो अगर इंडक्टर में से अगर सडन चेंज इन करंट आएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा. तो ये अपना ओवर करंट जो है, डीआई बाय डीटी करंट जो है, वो अपने SCR तक नहीं पहुंच पाएगा और अपना SCR प्रोटेक्ट हो जाएगा. सो रिमेंबर दैट फॉर डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन वी यूज द इंडक्टर इन सीरीज विद द थायरिस्टर. नेक्स्ट वन इज डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन. डीवी बाय डीटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज. डीवी बाय डीटी मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मतलब सडन चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर अगेन फॉल्स टर्न ऑन और अगेंस्ट द हाई डीवी बाय डीटी अ स्नोबॉल सर्किट इज यूज्ड. डीवी बाय डीटी अगर मतलब यहाँ पे भी अगर सडन चेंज इन वोल्टेज आता है तो क्या होगा,
अपना डिवाइस फॉल्स टर्न ऑन होगा और डिवाइस डैमेज भी हो सकता है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्नबर सर्किट। दिस स्नबर सर्किट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आर एंड कैपेसिटर सी। स्नबर सर्किट क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। आर और सी सीरीज में कनेक्ट किए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्नबर सर्किट। सो सी दिस डायग्राम, यहाँ पे क्या किया है, SCR के पैरेलली हमने जो एक स्नबर सर्किट बनाया, क्या है वो आर और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन, वो पैरेलल में कनेक्ट किया SCR को। तो इससे क्या होगा, यहां से अगर मतलब करंट की कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, तो ये dV/dt को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इसके अक्रॉस SCR के अक्रॉस डायरेक्टली dV/dt को नहीं आने देगा। और जो रेजिस्टर भी लगाया है कैपेसिटर के सीरीज में, वो क्या करेगा, कुछ ड्रॉप कर लेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां पे, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देयरफॉर द स्नोबॉल सर्किट दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम dV/dt। सो समराइज द टुडे सेशन, वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ SCR। SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि अपना SCR डैमेज ना हो। Also, we studied the various protection scheme of SCR like over voltage, over current, dI/dt protection and the dV/dt protection. So, solve the today's assignment. Question 1 is, explain over voltage protection of SCR. Explain dV/dt protection of SCR. These two questions you have to solve in your copy, and the PO satisfied by today's sessions are PO1, PO2, PO3 and the PO10. In the next lecture, we will going to learn about unit number 3, that is turn on and turn off methods of SCR. Thank you for watching this video and keep learning.